नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट दो चैप्टर बचे हैं। पहला चैप्टर है वाइड एग्रीमेंट, दूसरा है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर चर्चा करें कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ऑफर, पढ़ा एक्सेप्टेंस, पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ा है ना, और भी बहुत सारे माइनर कॉन्ट्रैक्ट, मेजर कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट सभी के पढ़े है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा कुल मिला के सेक्शन एक से ला के 75 तक के बीच में जितने जनरल प्रिंसिपल्स थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम एक दो चैप्टर क्लोज करेंगे, उसके बाद फैमिली लॉ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम फैमिली लॉ पढ़ने से पहले हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ आजकल भारत में बहुत ही विख्यात हो रहा है, क्योंकि क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फैमिली लॉ जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्रिमिनल लॉ हम पहले पढ़ेंगे। क्योंकि जो पिछले चैप्टर्स में हमने क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया था, वो आज के समय में सारे शून्य हो चुके हैं। क्योंकि जो आपको बता दें, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस थे, सेक्शन 96 वगैरह जो थे, वो सब अब चेंज हो गए हैं। सेक्शन 96 राइट टू सेल्फ डिफेंस सेक्शन 34 में आ गया है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला क्रिएट होता है। तो वो सब एसेंशियल एलिमेंट्स वही हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन सेक्शंस पूरे पूरे चेंज हो गए हैं। तो हम क्रिमिनल एक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक बचता है, सेक्शन 124 से 238 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकेंड है ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ाने के लिए, आप लोगों के लिए। पढ़ते रहिए मस्ती से और जीते रहिए ज़िंदगी, जुडिशरी की तैयारी करते रहिए और बनिए PCS, जे का पेपर क्रैक कीजिए, जज बनिए, मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। किसी ने कुछ पढ़ाया था याद रखोगे भाई साहब, ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अभी आप जान लो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी में आप कभी ना कभी किसी से कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध तो करेंगे ही ना, तो वो सब बहुत ज़रूरी हैं। पहला आपको बताते हैं कि सेक्शन 2G क्या है। सेक्शन 2G में बोल दिया गया है नो इन्फोर्सेबल बाई लॉ, जबकि सेक्शन 2H में क्या बोला गया था, सेक्शन 2H में बोला गया था एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वही करार संविधाएं हैं जो कानून द्वारा लागू कराई जा सके। यहाँ पर लिखा है नो इन्फोर्सेबल बाई लॉ, कानून द्वारा नहीं लागू कराए जा सकते जो सेक्शन 2G में एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, और सेक्शन 2G में जो एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हैं वो कानून द्वारा लागू नहीं करा सकते, इसीलिए वो वाइड एग्रीमेंट होंगे, ये बोल दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि व्यक्ति जो अगर माइनर है, इधर आते हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वह जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वाइड होगा, लिखते रहिए वाइड। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर साउंड माइंड एग्रीमेंट वाइड है ना। अब बता दें जो सेक्शन 14 से लगाकर सेक्शन 19 तक, 14 से 19 तक ये भी जो कंडीशन फॉलो नहीं होती तो एग्रीमेंट वाइड होगा, क्या होगा, वाइड होगा। अब माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे वाइड हो जाएगा, साउंड माइंड मतलब पागल व्यक्ति के साथ करोगे तब भी वाइड हो जाएगा। सेक्शन 14 से 19 तक जो बताए गए हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला है कोरिजन से, अंडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, बाई मिस रिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से है ना, मतलब ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयान, बलपूर्वक और किसी से गलत फहमी से, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्टर रहो तो उसको साफ सुथरा बता दो सब चीज़ें है ना। और सेक्शन से 14 तक यही एसेंशियल एलिमेंट्स ये जो बताएं, इन सब को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा। तो ये सारे एग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको हमने एक्सेप्टेंस में बताया, कोई व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा है और ऑफर जो है आपका कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसने काउंटर ऑफर दे दिया, तब भी वह वैलिड नहीं होगा, वाइड हो जाएगा है ना। ये भी पढ़ा चुके हैं काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर है ना, सारे ऑफर कितने प्रकार, टाइप ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कैसे वापस ले सकते हैं आप, ये सारे टर्म कंडीशन बताए हैं आपको।
तो यहाँ पर ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो सब माइनर साउंड माइंड सेक्शन 14 से 19 तक सब वाइड कर देगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अगर इसमें कंसीडरेशन ना हो फिर क्या हो गया, कंसीडरेशन तो वाइड हो जाएगा, कंसीडरेशन नहीं है वाइड होगा। लेकिन हमने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना कंसीडरेशन के ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं, जैसे ABC तीन व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तीसरा कंसीडरेशन दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, अब मान लिया कि हम किसी गर्ल को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो क्या हुआ, लव में दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत में दे रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। तो यहाँ पर पढ़ लिया आपने वाइड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर लिए यहाँ पे, है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या थे क्या थे वो सब हमने वहाँ डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ पर वाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2G में आता है, सेक्शन 2H क्या होता था ये डिस्कस हो गया। वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये बता दिया। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बताओ, लिख देते हैं आप एक बार फिर से, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। पहला है जबरदस्ती, तीसरा है क्या अभी सब धोखाधड़ी, तो सेक्शन आपका है ये है 15 और धोखाधड़ी का सेक्शन है 17, और तीसरा क्या है गलत बयान दे दिया किसी को, गलत बयान सेक्शन नंबर 18, और फिर क्या हो गया तुम्हारा बलपूर्वक किसी से तुम लेते हो तो सेक्शन नंबर 19, और फिर आ गया तुम्हारा गलत फहमी सेक्शन नंबर 21 से, सारे सेक्शन हैं यहाँ पे नोट कर लो, है ना। किसी से जबरदस्ती आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो सेक्शन 15 लागू हो जाएगा, सेक्शन तुम्हारा ये वाइड हो जाएगा तुम्हारा एग्रीमेंट। धोखाधड़ी से करते हो सेक्शन 17 लागू हो जाएगा, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। और गलत फहमी किसी का शिकार बनाते हो, भाई गलत बयान देते हो, सेक्शन 18 एग्रीमेंट वाइड। बलपूर्वक लेते हो दरा डमका के तमंचे की गोली पे लेते हो, सेक्शन 20 वाइड एग्रीमेंट। गलत फहमी फिर सेक्शन 21 वाइड एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ इतना डिस्कस हो गया कि वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। फिर हम सेक्शन 2G नो इन्फोर्सेबल बाई लॉ, ये भी अलग हटा दो, अब वाइड है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 23-24 पे, एग्रीमेंट का कंसिडरेशन ना हो तब भी वाइड होगा, ये बता दिया आपको हमने यहाँ पे। और ये सेक्शन हो गया आपका 23-24, है ना। किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस हो गई, अब उन दोनों को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो तुम्हारा एग्रीमेंट है जो वाइड होगा, ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 23 सेक्शन 24 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वाइड, सेक्शन 25 में भी यही कह दिया गया है। ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वाइड। फिर शादी करने से रोकना, अब कोई ए व्यक्ति है, अब ए एक गर्ल है, बी एक बॉय है, बॉय मतलब लड़का, ठीक है, एक लड़का लड़की से कहता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी से शादी नहीं करेगी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये होगा बिल्कुल वाइड, क्योंकि किसी को रोक नहीं सकते हम कुछ भी करने से। या कह दिया पूरे इंडिया में शादी नहीं करोगी तब भी यह एग्रीमेंट वाइड होगा। क्यों वाइड होगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और ये क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा है, तो यह एग्रीमेंट टोटल वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अगला टॉपिक है हमारा कौशी कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे आइए, ज़रूर आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें लोगों के साथ, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग फेक कॉन्ट्रैक्ट से बचें। ठीक है, धन्यवाद।